तो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल 650। ये भी एक भाई अपने यूट्यूबर भाई हैं, यूट्यूब एसकेडी बाइक वर्ल्ड के नाम से मुझे यहाँ पे भाई दिखे थे। और इनकी बाइक बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, मतलब सब कुछ इन्होंने लगवा रखा है, बस एक एग्जॉस्ट रह रहे हैं जो ये कह रहे हैं मैं बहुत जल्दी लगवा लूँगा। तो आज भाई का एक ओनरशिप रिव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि भाई मतलब रॉयल इनफील्ड से ऐसा क्या प्यार था जो भाई ने यही बाइक लोड इतनी हाई फाई मॉड करवा रखे हैं। तो हमारे साथ भाई, भाई आपका नाम? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं। तो भाई देखो, सिकंदर भाई का ये चैनल क्या नाम था? एसकेडी बाइक वर्ल्ड। एसकेडी बाइक वर्ल्ड के नाम से हमारा चैनल है, जिस पे मॉडिफिकेशन की वीडियो अपलोड करते हैं। अच्छा, चाहे वो स्कूटीज हो या आपकी कोई भी टू व्हीलर्स हो। अच्छा, आप मॉड की करते हो और टूरिंग भी करते हो? कभी कभी, मतलब अच्छा टूरिंग ना के बराबर है मेरा। अच्छा, मॉडिफिकेशन। तो जैसे कि भाई देखो, मेरे सामने इस टाइम पे भाई की बाइक खड़ी हुई है, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। तो भैया कितने की पड़ी थी आपको ये बाइक? ये पड़ी थी मुझे 3,15,000 की। अच्छा, आपने थोड़ा पहले टाइम ली होगी, अब तो ये महंगी हो गई बहुत। अब तो 3,80,000 के आसपास है। 4 की समझ लो, मोटा मोटा। हाँ, मोटा मोटा 4 कह सकते हो। तो भाई मतलब आपने यही बाइक क्यों कंसीडर करी? देखो, बोलने वाले बोलते हैं कि हार्ले ले लेते हैं, जब इतने पैसे खर्च करने, क्योंकि करीब इसमें मैं 70,000 लगा भी चुका हूँ। हाँ, वो भाई वो देख के समझ में आ रहा है। भी लगेंगे, क्योंकि मेरा काम होता है, मुझे कोई भी चीज़ ना सिंपल पसंद नहीं आती है, थोड़ी यूनिक मुझे चाहिए, कोरा कागज, उसको मैं खुद डिजाइन करता हूँ। ये चीज़ ये हुई भाई, एकदम बढ़िया बस। और उसमें मुझे आता है मजा, मैं हार्ले की ले लेता सब कुछ मिल जाता लोड, बट उसको मुझे उसमें क्रिएटिविटी करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। ये चीज़ मेरा आदत है, उसमें आपको किसमें कितनी चीज़ ऐसी मिलेंगी जो यूनिक है। आप ये कलर पूरे इंडिया में देख लो, किसी के पास नहीं होगा। बिल्कुल, ये ड्यूरासेल जैसा। हाँ, इसकी वीडियो डाल रखी है मैंने, आप शायद किसी ने करवा लिया हो, क्योंकि आपको ये तो ब्लैक मिल जाएगा, बट ये मिलेगा रेड। ठीक है, और रेड जो मिलेगा तो यहाँ पर आपको ये लोगो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ दिखेगा, और शायद से ये वाला लोगो अब रॉयल एनफील्ड अपनी बुलेट वगैरह के अंदर भी यही वाला दे रहा है। तो ये चीज़ एक यूनिक सी है। और जो सीट मैंने कस्टमाइज कराई थी, हाँ, सीट में काउल इसलिए डलवा दिया मैंने कि कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी में हमें ढालना पड़ जाता है, बंदे को पिलियन बैठाना पड़ जाए, उस पिलियन के लिए काउल को कहाँ कैरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में क्या है, हल्का सा लुक भी आ गया। हाँ, मतलब उतना लुक नहीं देता है, लेकिन नहीं नहीं काफी हद तक भाई देखो लुक भी आ रहा है, क्योंकि आपने जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ना, वो एक अच्छा रखा है, सेम मैचिंग रखा है। इसके लिए मैंने सीट भी कस्टमाइज कराई थी, और इसमें मेन चीज़ इसके फैट टायर्स। और अगर मैं आपको बताऊं, ये टायर जो है ना, ये एवेंजर गाड़ी के, एवेंजर के रिम, एवेंजर के टायर, बट जो हब है, हब कहते हैं जो बीच में जो रुका हुआ है, समझ गया मैं, हब। हाँ, हब जो है वो इंटरसेप्टर का स्टॉक यूज हुआ है। ठीक है। और इसकी जो तिल्लियां हैं, ये किसी और बाइक की, ये मुझे कंफर्म नहीं है किसका है, वो बताया। अच्छा, तो भैया आपने ये इतना मोटा टायर लगवा रखा है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हैवी टायर, इस पे लीनिंग का मतलब पंगा नहीं पड़ता? लीन का वैसे ज्यादा लीन में करता नहीं, नॉर्मली मैं यूज करता हूँ बाइक। अच्छा, अच्छा, मुझे स्टंट मारने का शौक नहीं है। हाँ, बाकी नॉर्मल अगर आप लीन करोगे, आप चला के देख लेना, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर लीन करना है तो आप रालको की जगह यही साइज में सील का टायर लगा लो, वो गोल होगा। और ये भी एक कस्टमाइजेशन ही लग रही है मुझे, ये स्टॉक है? ये सब स्टॉक है। अच्छा, इसमें इंटरसेप्टर में आता है, ये सब स्टॉक आता है, ये कॉन्टिनेंटल में नहीं आता ना, कॉन्टिनेंटल में डिफरेंट है थोड़ा। कॉन्टिनेंटल का मैंने ये देखो भाई, ये देखो भाई के चैनल का नाम। और ये भी आपने हार्ले का लगवा रखा है? अच्छा, मतलब आपने मोटा मोटा अगर देखे तो ये आपका फ्रंट का वाइजर लगा हुआ है, ये कैप्स लगी हुई है, ये मतलब यहाँ पे मोबाइल फोन होल्डर हो गया, फ्रंट के अंदर ये लाइट्स हैं, एक बार उतार के देख लें। ये देखो भाई, HJG के फॉग लैंप्स है, HJG। अच्छा, ये येलो कलर के जलेंगे? ओरिजिनल है, येलो है, फॉग लैंप जब फॉग वगैरह होता है, क्योंकि कोहरा आ रहा है ना, हाँ, तो उस केस में येलो काम करेगा, अदरवाइज आप ये हटा दोगे तो ये व्हाइट है। ओ वाओ, ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ आपने बहुत बढ़िया लगा रखी है। और इसमें एक चीज़ और भी मैं दिखाता हूँ भाई की बाइक में, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने यूट्यूब पे देखा था, ये भाई जो आप लोग JS फिल्म में JS पाजी का जो चैनल है, उनके मैंने चैनल पे देखा था, ये जो बटन्स है ना, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। एक बार भैया चाबी लगा के इन्हें ऑन करके दिखाएंगे। और ये बहुत ना एक चीज़ ये इतने कूल और इतने प्रीमियम लगते हैं, इन्हें देख के ना आप ये नहीं बोलोगे कि आफ्टर मार्केट वाली चीज़ है। इस वाले बटन के कंपैरिजन में इसे देखोगे तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है। भैया कितने का लगवाया आपने वाले बटन, ये वाले? इसको भी करीब लगाए 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, ये दूसरी बाइक पर लगा हुआ है। कितने का था? अब ये 1100-1200 का आ जाता है मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा, ये इम्पोर्टेड है, कभी खराब नहीं होता है। देखो भाई, इसके अंदर 3 कलर की लाइट जलती है। एक बार भैया आप ऑन करना। देखो ये तो मैंने हटा दिया, तो मैं लगा के रखता हूं। अच्छा, ये तो हो गया फॉग लैंप्स का, फॉग लैंप उसके लिए, कोहरे के लिए। ठीक है, ये फॉग लैंप्स हो गया। हाँ, ये हेडलाइट का है। ठीक है। और जो एक होता है इसमें फ्री बटन। अच्छा, उसमें आप फ्लैश कर सकते हो, ये हिडन हॉर्न लगा सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, कुछ भी लगा सकते हो। और इसमें एक ऐसा स्विच आता है, इसमें तीनों बटन वर्किंग है, बट मुझे ये सीक्रेटली चाहिए था, हालांकि इसका मेरा यूज हुआ नहीं जिस पर्पस के लिए। तो ये सही है भाई, ये लाइट मुझे बढ़िया लगी। अच्छा भाई, आपने ये लाइट यहाँ पे लगा रखी है, राइड करते टाइम ये इससे पत्थर वत्थर उछल के इस पर लगते नहीं है? इससे कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चलते छोटे छोटे पत्थर रोड पे उछालती है मेरी बाइक में? क्या है, काम चलते रहते हैं। हाँ, तो ये अभी मुझे इस लाइट को ना यहाँ से ऊपर करना है, यहाँ करना है इसको। अच्छा 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 अच्छा, क्लैंप्स है, ये हिमालयन का क्लैंप्स लगा हुआ है, इसका जो ओरिजिनल क्लैंप्स आता है MG का। हाँ, वो अभी अवेलेबल नहीं था मेरे पास। अब वही मेरा एक सवाल है, क्योंकि अपन जैसे लॉन्ग राइड करते हैं, अपन R15 पे जाते हैं, ड्यूक वगैरह के ऊपर जाते हैं, तो मेरे को एक माइंड में मिथ था कि यार इसमें पत्थर उछल के इस पर लगेगा तो फूट जाएगा। तो इसीलिए इसको ना थोड़ा ऊपर माउंट करना है। ओके, टाइम नहीं मिलता आपको पता है कि? बिल्कुल भाई बिल्कुल, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जब जाने का टाइम होगा ना, तो इसको प्रॉपर तरीके से लगाया जाएगा। अच्छा, इसको आप प्रॉपर पूरा टोटली बढ़िया तरीके से एकदम सेट करके कवर करके रखो, क्योंकि चलान के इशू
अच्छा इस पे भी चलान करते हैं? हाँ, इसको कवर करके रखना पड़ेगा। अच्छा अगर कवर नहीं रखेंगे तो इस पे भी चलान होगा? अगर आप कवर करके इधर को भी तो चलान हो सकता है। अच्छा जी, अब आप उन सालों से ये कह सकते हो कि जब हम पहाड़ों पे या लद्दाख वगैरह घूमने जाते हैं तब यूज करते हैं, इसलिए मैंने कवर कर रखा है, अदरवाइज ये मेन बहुत है। अच्छा भाई ओवरऑल चलो ये सारी आपने बाइक के ऊपर कर रखे कस्टमाइजेशन। हाँ। आपने जब इस बाइक को सोच के रहे थे तो मुझे कस्टमाइजेशन करने, कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी होगा कि राइड करने में भी मजा आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, देखो जो आप नहीं पूछ रहे हो और जो आप पूछना भी चाहते हो वो मैं बताता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जो पैरेलल ट्विन इंजन है ना वो 3.5 लाख में कोई कंपनी नहीं देती। ये भाई पॉइंट है, ठीक है बिल्कुल। और पैरेलल ट्विन इंजन चलाने का जो मजा है वो सिंगल सिलेंडर वाली में नहीं है, ये आप जानते हो। और भाई एक चीज और है, रॉयल इनफील्ड एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने रॉयल इनफील्ड की बुलेट उलट चलाई है, उनके दिमाग में एक बात है कि भाई वाइब्रेशन की दुकान है। और रियलिटी बता रहा हूँ भाई, कॉन्टिनेंटल या इस बाइक को चला लेना आप लोग कहोगे कि ये बाइक रॉयल इनफील्ड ने बनाई ही नहीं है। अभी एक इनका एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है SG650 शॉटगन, मैं वेट अगर जैसे ही लॉन्च होगा मुझे लेना ही लेना। अच्छा कंफर्म भाई, मतलब मुझे लग रहा है मैं जीटी लूंगा एक और। अच्छा एक और, इससे इतना खुश हूं ये रॉयल इनफील्ड वाले ना पैसे नहीं दे रहे, गिफ्ट ये बाइक नहीं दे रहे, गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा ये गिफ्ट है समझ लो, है क्योंकि हार्लेस का लेने जाओगे 7.5 लाख की आएगी, बहुत महंगी है। सर्विस आप कराने जाओगे 5-7 हज़ार रुपये सर्विस होती फ्री वाली। हाँ 2700 की सर्विस फ्री वाली। हाँ। और अब एक साल बाद होगी, अभी इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है, अभी सेकंड सर्विस बाकी है। अच्छा पेंडिंग है अभी, जरूरत ही नहीं पड़ी अभी। अच्छा। एक साल ही नहीं हुआ ना अभी। अच्छा आपने कितनी चला ली देख लो, देखें भाई भाई ने कितनी चला डाली है इसको, 3500 ओडो है ये, ठीक है भाई 3500 कुछ चली है, 3500 चली है। और मतलब 3500 चलाई आपने, ज़्यादा नहीं चलाई। और एवरेज वगैरह क्या आती है इसकी? एवरेज वैसे मैंने कभी एक्यूरेट नापी नहीं है, और ये बाइक है एवरेज नापने वाली है नहीं, बट मैं जस्ट सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। 25 और 30 के बीच बीच नहीं चाहिए, 30 के पर कभी नहीं जाएगी। 25-30 भाई मैं तो कह रहा हूँ 25-30 भी जाता है, क्योंकि हमारे नोन में काफी सारे भाई हैं ना, थोड़ा वो रैप वगैरह करते हैं, उन्होंने एग्जॉस्ट लगवा रखे, उनकी 18-15 ऐसे देती है एग्जॉस्ट का, तो बताते हैं अगर परफॉर्मेंस लगा लो तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है क्योंकि इनमें वेट बहुत है, ये बहुत भारी है ये। अच्छा कभी ये बाइक ओवरवेट नहीं लगती चलाने में कि मतलब इतनी भारी है? जब कभी मान लो जैसे आप बैठे हो और बैठे बैठे आप पीछे लोगे ना, हाँ तो ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर जान निकाल देती है उसके की दिक्कत है। और जब हल्की सी अगर गिर गई झुक गई, पूरी गिरनी गिरनी है, फिर कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई पहलवान आ जाए नहीं रोक सकता इसको भाई। हाँ वेट बहुत ज्यादा है, रियलिटी में वेट बहुत ज्यादा है। वेट लिफ्टिंग करता हूँ हाँ, और मुझसे भी संभलती है, कई बार गिर चुकी है। हाँ भाई की बॉडी बॉडी भी तगड़ी है, वो चीज है। हाँ ये बात तो है, मतलब थोड़ा वेट के मामले में भारी है। और वहीं पर अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो पावर ऐसी है कि जब आप इसका टोटल दोगे ना हाँ। तो तुम्हें पीछे धक्का मारे, खुद आगे भागने को तैयार, जैसे मतलब रुक मैं जा रही हूँ, यूं कह यूं सीट पे हां यूं कहते निकल भाई हट तू उधर। फील्ड से ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मतलब प्रोडक्ट ला सकता है। हाँ। हालांकि मैंने सुना था, मैंने कभी चलाई नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि ये चीज पावरफुल है। अच्छा जितनी इस बाइक के अंदर वेट है पावर है उस हिसाब से ब्रेकिंग कैसी है इसकी? भाई साहब ब्रेकिंग मैं बताता रहा हूँ, जैसे आप नॉर्मली स्पोर्ट बाइक यूज करते हो ना किसी और कंपनी की, इसको यूज कर लो सेम ही है, बल्कि ज्यादा अच्छा है इसका। अच्छा अगर इन कम्पेयर टू क्लासिक 350 तो जीरो से हीरो। खैर क्लासिक से तो इसका कोई कंपैरिजन है भी नहीं, किसी भी बाइक से कंपैरिजन नहीं, रियलिटी यही है। इसका जो है ना मेन एक महज ऐसी बाइक है ये जीती, और ये रॉयल एनफील्ड का नाम रोशन कर दिया इसने। और भाई मैं एक चीज बता रहा हूँ, जितने भी मैं अभी तक रॉयल एनफील्ड के कॉन्टिनेंटल या फिर इससे इंटरसेप्टर के ओनर से मिला हूँ, सबका यही है भाई, वो अपनी बाइक से बहुत प्यार करते हैं, बहुत फैन है इसके, मतलब हमारी बाइक नहीं है हाँ, जान है, ये समझ लो काम ना। और दूसरी बात ये है, सब कुछ इसमें मेटल का है, ठीक हाँ प्योर मेटल है। आप अगर निंजा ले लो, निंजा का बताते हैं गिरते ही 10-15 हज़ार खर्चा है आराम से, ज्यादा ही आपके 5-7 हज़ार खर्चा है। हाँ? मैं आपके सामने गिरा दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं आप गिरा दो, बिल्कुल 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 समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं होते और बाइकों में। अच्छा एक चीज है, रॉयल एनफील्ड इसमें इतने पतले पतले टायर देता है, तो खैर चलो अपन ने कस्टमाइज करवा लिया, उस बारे में क्या कहना है, उस पर रॉयल एनफील्ड को काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो काम वो कर रही है 24 घंटे कर रही है रॉयल एनफील्ड, हमें लग रहा है कि पतले हैं, क्या पता उन्होंने इस बाइक की अलाइनमेंट के हिसाब से सब कुछ अपने हिसाब से परफेक्ट दिया हो। वो थोड़ा पतला टायर देने का एक सबसे बड़ा रीजन रहता है माइलेज, सबसे बड़ा रीजन रहता है, भारी बाइक है 650 cc का इंजन है, और उसमें अगर वो टायर मोटर लगा देगी तो फिर बंदे आजकल लोग पेट्रोल का रेट आप देख रहे हो कितने हैवी हो, पेट्रोल तो आसमान छू रहा है, तो इसीलिए जो है वो सब कुछ देख के करना पड़ता है। अदरवाइज अगर पिछला टायर थोड़ा सा हैवी कर दे थोड़ी सी और स्टेबल हो जाएगी, तो जो इसकी लुक है ना वो एक्सल में लुक आएगी निकल के। ओके बाकी आप स्टॉक देख लो, बाइक देखने का तक का दिल नहीं करता। अच्छा हाँ ये आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे कोरा कागज डिजाइन करने का मन है, वही चीज मिली है आपको? दो साइलेंसर के अलावा उसमें कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ ये पीछे से तो बहुत बोल्ड अट्रैक्टिव है, बस वो टायर ही है ना बीच में से जो परेशान करता है, जब मॉडिफिकेशन करा लोगे ना तभी आता है, तब पूरी कंप्लीट होती है ये। अच्छा मैं निकलता हूँ, 10 बंदे पूछ लेते हैं। अच्छा भाई एक चीज और, आपने ये मतलब इंटरसेप्टर ली, कॉन्टिनेंटल क्यों नहीं ली? कॉन्टिनेंटल इसलिए नहीं ली, कॉन्टिनेंटल का एक तो क्या है कि उसका जो एग्रेसिव लुक है हाँ, और मुझे थोड़ी बहुत क्या होता है टूरिंग करनी होती है कभी कभी, या मेरे भाई अच्छा, 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 उसमें अच्छा। क्या है हमारी पीछे अगर हमारी वाइफ वगैरह बैठी हो, कोई फैमिली पर्सन बैठा है तो कंफर्ट नहीं आता उसमें, तो थोड़ा दिक्कत रहती है। और दूसरी बात ये उसका जो पेट्रोल टैंक है ना वो इससे शायद 1.5 लीटर छोटा है। ओके
जिसके वजह से मैंने नहीं ली, और हम इसको जीटी कॉन्टिनेंटल बना सकते हैं, टेलीफोन हैंडल वाला लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हो, उससे बेहतरीन लुक आता है, मैंने कई लोगों की मोटिफिकेशन की दी रखी वीडियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसलिए मैंने नहीं ली हमने। अच्छा अभी तो भाई हम बनाएंगे इंटरसेप्टर तो बोरिंग लगेगी, अजीब लगेगी, बिल्कुल इसीलिए मैंने ये। और अभी तो भाई इसके ऊपर बहुत सारी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, जो आप भाई के चैनल के ऊपर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स वगैरह तो डालूंगा ही। तो भाई देखो थैंक यू, आपने अपना पूरा एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू शेयर करा। तो भाई देखो ऐसे होते हैं भाई कॉन्टिनेंटल के या फिर आप लोगों के इंटरसेप्टर के जो लवर होते हैं, चीज भाई फैक्ट है, जितने बंदे मैंने देखे बहुत पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू भैया ने सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी, अगर आप भी करवाना चाहते हो करा सकते हो। और इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, फ्री।